ये एक अदद बड़ा प्याज था तो पीस उसका, तो ये मैंने कट कर लिया। और ये मैंने देखे तेल रख दिया, गर्म हो गया तेल, और मैं इसके अंदर डालने लगी। सही तेल गर्म था, देखे आपने कड़क की आवाज़ आई है। तो जी अभी हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन होता है, मतलब जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, हाफ ब्राउन, फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। वैसे तो खैर मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि साथ साथ जो नए मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी रेसिपी पता चल जाए। देखिए मैं आपको बाइट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा मौसम है। और दूसरा ये है कि आप बताइएगा आपको कल की और परसों की वीडियोस कैसी लगी। बहुत हमने एंजॉय किया माशाल्लाह। वो जो सऊदी फैमिली थी उनके घर भी गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। और जब कल बाहर हमने रोज़ा अफ्तार किया, वो भी बहुत मज़े का भी, और बहुत हमने एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। तो बाकी आप भी ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी जाके वो वाला ब्लॉग भी देखें, कल वाला और परसों वाला भी, और टाइम मिले तो सारे देखें। ये देखें जी आप, प्याज थोड़ा सा मतलब हाफ ब्राउन हो गया, और ये मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। डाल के फिर हम इसको ब्राउन करते हैं अच्छे से। और ये आप देख रहे हैं इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक ये ना अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए, क्योंकि प्यारा सा कलर आता है चावलों में। और अगर ये आप कच्चे कच्चे में या पानी डाल देंगे या टमाटर डाल देंगे, तो फिर चावलों में जो है ना कलर जैसे हम चाहते हैं ब्राउन कलर सा हो, जैसे वो होती है ना पाकिस्तान की बन्नू, क्या कहते हैं बन्नू बुलाओ, उसका जो कलर है ना वो बनाने के लिए ना आपको ये टेक्निक पे गौर करनी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा पहले ब्राउन हो जाए प्याज, फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि वो अपना जो है ना कलर छोड़े प्याज जो है। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए चावल नहीं बनाए, तो खैर परसों तो हमने खाए थे, लेकिन सऊदी के घर हमारे जो फ्रेंड थे उनके घर तो खाए थे, लेकिन आपको पता है उनका टेस्ट तो डिफरेंट होता है ना। वो तो वाइट कलर के चावल थे, और उसके ऊपर उन्होंने वो भी ऊपर मटन का गोश्त था, बकरे का गोश्त था उबला हुआ, और सब्जियों भी है, मज़े का टेस्ट था। लेकिन आपको पता है हमारा जो होता है खाना वो, और जो अरब कंट्रीज़ के खाने होते हैं उनमें डिफरेंट होता है, स्पेशली तो मिर्चों का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यह देखिए जी हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, यही लंगरी वाला जो पानी था ये मैंने इसके अंदर, और मैं इसको ऊपर से कवर करती हूँ ताकि ये पानी जो है ना प्याज अपना कलर छोड़े। तो ये देखें जी प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर ये मैंने दो अदद टमाटर कट किए हैं वो मैं डालूँगी, और आग भी नीचे से मैं अब थोड़ी सी ना तेज कर देती हूँ, और मैं अब आपको दिखाती हूँ सारे मसाले। ये देखें जी ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये मतलब छोटी जो चमची होती है, मैं खाली आपको चमची दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाली चम्मच छोटी, तो ये वाली मैं डाल रही हूँ एक चम्मच। ये है ये नमक है एक चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, एक चम्मच भर के ज़ीरा, और ये सूखा धनिया, और ये क्या है जी ये दालचीनी है, और वो साबुत जो है ना सूखा धनिया वो भी आपने एक अदद चम्मच मतलब ऐसे हाथ पे मरोड़ के तली पे तो डालें, उससे बहुत मज़े का जो है ना खुशबू और जायका आता है। और यहाँ से मैं दो कड़ी पत्ता डालूँगी और दो अदद इलायची डालूँगी, ठीक है। ये सारे मसाले हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे, पानी डाल देख रहे हैं, इलायची लौंग काली मिर्च थोड़ी सी थी वो भी डाली मैंने, अब इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा वो भी इसके अंदर ऐड करके फिर ऊपर से कवर कर दूँगी। और इसके अंदर जी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आधा पैकेट ये बिरयानी मसाला, अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, मिक्स कर लूँ। ओके आती हूँ जी, अभी ये मैंने ऊपर से ढक्कन उतारा है, और ये देखें जी काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये है कि साथ ही मैं इसकी गोश्त डालूँगी ताकि ना ये मतलब साथ साथ भुने भी, गोश्त भी भुन जाए और अच्छी तरीके से मीन्स के फ्राई हो जाए गोश्त, और साथ साथ ये टमाटर जो है ना ये भी साथ निकल जाएंगे आप देखिएगा। तो ये जी देखें ये यखनी और गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, मटन है ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हुआ हुआ, ये देखें आप, मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी ये सारा ऐसा ऐसा करके।
जी इसके अंदर मैंने आधा गोश्त डाला, ये तकरीबन 1.5 किलो था, तो ये मैंने इसके अंदर आधा इधर डाल दिया और आधा ये मैंने छोड़ दिया पीछे, क्योंकि इसका मैं फिर सालन बनाऊंगी। आपको पता है सहरी के लिए रोटी वगैरह खाते हैं, फिर हमें ज़रूरत होता है कि सालन भी हो, तो ये सुबह के टाइम के लिए मैं फिर सहरी में आपको कौरमा बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो है ना ये आलू गोश्त कर लूँगी, अभी मैं इसके अंदर ये मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैं टमाटर आलू भी ऐड करूँगी। पिछली दफ़ा भी आपको पता है शानजे ने नहीं खाई थी, तो अब मैं इसके अंदर एक अदर आलू जो है डालूंगी, ताकि शानजे जो है ना वो बोटी नहीं खाती इतने शौक से, चलो ये है कि वो फिर आलू खा लेगी। तो ये जी मैंने आलू जो है ना वॉश कर लिए, अब मैं जो है इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए ये भी रेडी हो गया, थोड़े मैंने मोटे मोटे कट किए हैं, क्योंकि आपको पता है आलू ज़रा जल्दी जो है ना गल जाते हैं, वैसे तो गोश्त भी हमारा गला हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा देख रहे हैं आप, ये गोश्त और आलू भुन चुके हैं, तो एक अदद ये मैं पानी डालूंगी, क्योंकि ये वाला ग्लास जो है ना मैंने लिया चावलों के लिए, ठीक है। एक अदद ये मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी और एक अदद भर के यखनी ऐड करूंगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पीछे बच भी गया तो वो मैं यूज़ कर लूँगी मतलब कौरमे के अंदर, ठीक है। चावल बने, बाहर अजान स्टार्ट हो गया। चलो आज दुपट्टा करके आ जाओ। अलीना आ जाओ, आ जाओ। हाँ मैंने आलू डाला भी, अभी बहुत गर्म। ये देखें जी हमारा मटन पुलाव और इसको पड़ी हुई आलू उठाने की जल्दी जल्दी, नहीं बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। जो चटनी है देखे अभी मिक्स भी नहीं की, बस अजान हो गई है। शानजे कहती है जी मैंने अपने हाथों से डालना है आलू, उनका सही है डालना। हाँ तोड़ो उसको। अच्छा वाह आलू। हाँ तो ये देखे जी बहुत प्यारी हमारी बिरयानी बनी है, अभी शानजे उसके साथ खेल रही है। लीना क्या खाओगी आप, ये आप देख रहे हैं। अच्छा ये क्या होते हैं जी? क्या क्या? हाँ तुख मलंगा। वैसे अच्छा ये ऐसे लग रहा है जैसे वो ड्रैगन नहीं था, ड्रैगन फ्रूट। ये देख रहे हैं आप जी, ये आज जी हम जितने जल्दी जल्दी दूध में ना ये हमने तुख मलंगा डाला था, ये बहुत मज़े का था ठंडा ठंडा। वैसे तो पिछले दिनों में सर्दियाँ थी तो मैं खुद भी बल्कि भूल गई, जामे शीरे तो बनाती थी लेकिन यह दूध में हमने नहीं डाले। कितना प्यारा लग रहा है आज रमज़ान मुबारक माशाल्लाह। आपको इधर दिखाती हूँ। अलीना आप क्यों नहीं खा रही? थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। ये देखें जी माशाल्लाह। फिर मैंने खाऊंगी और चम्मच मैंने क्या है अलीना बोला है क्या ले आओ, मैंने क्या बोला दही लेके आओ तुम्हारे लिए नहीं शानजे के लिए। और जी ये देखें जी पकोड़े बनाए आज, मुझे मना नहीं करना तो ये ज्यादा मैंने नहीं, जैसे आपकी मर्जी। शानजे बुखार ही है, आप आगे हो जाए मुझे पेट आपका है। और ये देखें जी ये थोड़ा सा बस फ्रूट कट किया, थोड़ी मैं भी आज लेट हो गई थी। ये देख रहे हैं, ये देखें जी ये चटनी है साथ। शानजे को पहले चिप्स बना के दी मैंने। शानजे शानजे अच्छी बच्ची है, खाना खा रही है। पानी पी लिया दादा। हाँ पानी पी लिया, ठीक है। अरे दादा दादा बहुत दिनों के बाद जामे शीरी जो है ना काफी टेस्टी है, मजे का लग रहा है। सही भी आप मैंने कहा थोड़ा सा खाऊं ये वाला पकोड़े, बहुत मजे के बने। हमने कैसे बने पकोड़े जी? अच्छे बने लगता है, इसमें जैसे वो मैदा नहीं होता वो मिक्स है, टेस्ट इसका थोड़ा चेंज है। ऐसे क्या मैं अब आपको बोलूं, इतनी आप प्यारी बातें करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये लहसुन डाला मैंने इसके अंदर, लहसुन पता है मतलब लहसुन का पूरा पूरा बूटा। ये देखिए ये बूटा होता है या पेड़ होता है? नहीं ये बूटा ही होता है। और अगर आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ क्या कहते हैं सुनना है ना, तो ये जी थूम का बूटा है। ये देखें, ये देखें आप मैंने दो डाले, ये चावलों के साथ ना बड़े मज़े के लगते हैं, हम इनको तोड़ के खाएंगे। कितनी प्यारी मेरी बेटी है छोटी सी, और ये बड़ी सी बेटी कितनी प्यारी लग रही है।
आज इसके पता नहीं क्यों 12 बजे हुए शान से अलीना के। और ये बहुत शरारती है। अरे फैन तो बहुत तेज आवाज में चल कर दिया। अलीना ये स्लो करो यार, तुमने बहुत तेज कर। ये देखें जी साथ हम अपना व्लॉग देख रहे हैं। आप भी खाने के दौरान मेरा व्लॉग देखा करें तो आपके खाने का जो मजा है ना वो दुबला हो जाया करेगा। आप एंजॉय किया करेंगे मेरी माशाल्लाह कुकिंग को। जी थोड़े से चावल डालिए। ये इसको क्या बोलेंगे, मटर पुलाव या मटन पुलाव या आलू पुलाव? ये मिक्स है। अब क्या करें जी, जब बच्चे हों तो फिर वो मटन भी आलू वाला बन जाता है। बच्चों के लिए आपको पता है शांजे ने पिछली दफ़ा भी नहीं खाए थे। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत मज़े के बने। ये आप देख रहे हैं खिले खिले। और ये जी लहसुन आ गया एक। चले ये ले। मुझे कैसे बने? अच्छे के बहुत अच्छे। भूख लगी हो ना तो अच्छे भी बहुत अच्छे हो जाते। तो फिर आप कहे ना बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ और आप तारीफ भी नहीं कर सकते दो मिनट के लिए? आपका कुछ जाता है? टाइम वेस्ट होता है ना। ज्यादा सही है। तो जी आपको शांजे अपना गिफ्ट पहले दिखा चुकी है तो हाँ तो अब मैं अपना गिफ्ट आपको दिखाऊंगी। तो ये जो मेरी फ्रेंड आई थी, ये देखें जी ये मेरे लिए चीज़ें लेके आई क्योंकि उनकी जो दुकान है ना मेक और शमजे, तो इसको क्या बोलते हैं हम जिदैन वियर भी कुछ नाम लेती ले रही थी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। लेकिन वैसे जैसे पंचसारी की दुकान होती है पाकिस्तान में बोलते हैं, या जिस तरह की ये सारी चीज़ें जहाँ पे उनकी चक्की भी है, ये प्योर आटा जो होता है ना वो मतलब कहते हैं कि हम उनकी जो मशीन है वो स्पेशल ये प्योर मतलब दानों से आटा बना है। वैसे तो हम वो पैकेट लाते हैं वो आपको दिखाया जिस तरह की होती है थैले टाइप, तो ये जो है ना उनके अपनी दुकान का जो आटा है वो है। और जी ये बेसन है और ये है जी अदरक, अदरक का पाउडर। और ये है हल्दी पाउडर। और ये जी हैं काली मिर्चें। और ये हैं जी इसको कहते हैं वो क्या कहते हैं ठहराली ना खोपरा, खोपरा नहीं होता जो नारियल का पाउडर खोपरा ही बोलते हैं उसको। देखिए ये खोपरे का बूरा ठहर यार ये देख खोपरा हाँ कोबरा ना बोल देना खोपरा। तो ये देखें जी ये है जी दालचीनी। हाँ रखो 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 ये देखें इसके यही काम है। तो ये जी है लोबिया, ये लोबिया है। और ये है जी सूजी। ये जी देखें इतना प्यारा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। ये उन्होंने अपनी दुकान से चीज़ें लाई हैं। वो कहती हैं कि आप कुकिंग करती हैं तो जाहिर बात है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये उनकी दुकान के मसाला जात हैं सारे, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके एक दिन वीडियो भी बना के उनकी दुकान की सारी मतलब तो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि यहाँ जो हमारे सिटी के रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। हम मैं ज़रूर शेयर करूंगी वीडियो बना के। और रेट भी जो है ना उनके तकरीबन मतलब बाकी दुकान की नस्बत ना लोगों की नस्बत जो है ना अच्छे रेट हैं, मुनासिब रेट हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने पाकिस्तानी भाई हैं तो वैसे भी अब क्या कहते हैं होता है ज़रा ना कि चले उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। तो ये फ़िलहाल जी मुझे तो गिफ्ट आया, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे मेरी बहन। और ये शांजे का गिफ्ट भी आप पहले देख चुके हैं तो शांजे भी बड़ी एक्साइटेड थी। तो ये देखें जी अब इनको संभालूंगी सारी चीज़ों को। आटा जो है ना आज मैंने यही आटा ट्राई करना है।